एथिकल हैकिंग फ्री में सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन पर। हे फ्रेंड्स, कैसा चल रहा है? मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं टेकचिप यूट्यूब चैनल, जहां मिलती हैं आपको एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां, वो भी हिंदी में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आया हूं वेबसाइट हैकिंग के ऊपर, जिसमें आपको बेसिक जानकारी से लेकर एडवांस जानकारी मिलेगी, वो भी प्रैक्टिकल के साथ। और हम इस सीरीज में जानेंगे कि हैकर्स किस तरह से वेबसाइट को हैक करते हैं, कौन कौन से अटैक वेबसाइट पर होते हैं और इनसे हम अपनी वेबसाइट को किस तरह से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत हम बिल्कुल बेसिक लेवल से ही करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हुइज के बारे में। हुइज एक क्वेरी और रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल है। इंटरनेट रजिस्ट्री हुइज डाटाबेस को मेंटेन करती है, जिसमें वेबसाइट के डोमेन नेम, डोमेन रजिस्टर्ड यूजर्स की डिटेल्स जैसे कि नेम, फोन नंबर्स, एड्रेस, ईमेल, वेबसाइट की आईपी, डोमेन कब रजिस्टर हुआ, कब एक्सपायर होगा, कब उसमें चेंज किया गया, इसके अलावा दोस्तों डोमेन नेम कहाँ पर होस्टेड है, आईपी एड्रेस, ब्लॉक जैसी डिटेल हुइज डाटाबेस में स्टोर रहती हैं। तो हुइज क्वेरी की मदद से डोमेन नेम की ओनरशिप की इंफॉर्मेशन बड़े आराम से निकाली जा सकती है। दोस्तों, जब हैकर्स किसी साइट को टारगेट करता है तो सबसे पहले उसकी बेसिक जानकारी जुटाता है कि वो कौन से सर्वर पर होस्टेड है, उस वेबसाइट का ओनर कौन है। तो ये सब जानकारी हुइज डाटाबेस से बड़े आराम से मिल जाती है। दोस्तों, हैकर्स हुइज का प्रयोग सोशल इंजीनियरिंग के लिए डिटेल कलेक्ट करने के लिए भी करते हैं, क्योंकि इसमें डोमेन नेम ओनर्स की कुछ पर्सनल डिटेल भी रहती हैं। तो हुइज इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कई तरीके मौजूद हैं, जैसे कि कमांड लाइन के द्वारा, किसी टूल का प्रयोग करके या किसी ऑनलाइन सर्विस के द्वारा। तो मैं आपको तीनों ही तरीके बताऊंगा कि हम किस तरह से वेबसाइट की हुइज डिटेल देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कमांड लाइन के द्वारा बताता हूँ। तो मैंने अपना काली लिनक्स सिस्टम ओपन कर लिया, तो सबसे पहले मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर टर्मिनल ओपन हो चुका है। अब आपको सिंपल से यहाँ पर कमांड लगानी होगी हुइज और जिस वेबसाइट की आप डिटेल देखना चाहते हैं उसका एड्रेस। जैसे कि दोस्तों, मैं देखना चाहता हूँ google.co.in की, तो मैंने लिख दिया हुइज google.co.in। और दोस्तों, ये देखिए पूरी डिटेल आपके सामने है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने स्क्रॉल किया और ये देखिए दोस्तों, इस डोमेन की आईडी क्या है, डोमेन नेम क्या है, कब क्रिएट किया गया था, इस डोमेन नेम में लास्ट अपडेट कब किया गया था, ये कब एक्सपायर होगा, जिसने रजिस्टर किया उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, यहाँ पर आपको दोस्तों सब कुछ मिल जाएगा। ये देखिए, और आप देख सकते हैं उसके एडमिन की डिटेल, टेक्निकल डिटेल, उसकी ईमेल आईडी और वो साइट कौन से सर्वर पर होस्टेड है, उन सर्वर्स के नाम भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप इस तरह से किसी भी वेबसाइट की हुइज डिटेल कमांड लाइन के द्वारा जान सकते हैं। पर दोस्तों, इस पर्सनल डिटेल को हाइड भी किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको अपनी साइट का एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने कमांड लगाया हुइज techchip.net, मैंने यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हाइड की हुई है, तो आपको यहाँ पर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही दिखाई देगी। ये देखिए दोस्तों, रिजल्ट आ चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही है कि ये डोमेन का नाम क्या है, डोमेन कहाँ से रजिस्टर किया गया था, इस डोमेन को कब क्रिएट किया गया था, कब अपडेट किया और ये कब एक्सपायर होने वाला है। बाकी इसमें दोस्तों कोई पर्सनल डिटेल आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने ये सारी हाइड की हुई हैं। तो आप इस तरह से किसी भी वेबसाइट की डिटेल जान सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ ऑनलाइन सर्विसेज के द्वारा। तो मैंने यहाँ पर अपना ब्राउज़र ओपन किया और यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ गूगल को। और दोस्तों, यहाँ पर हम सर्च करेंगे हुइज लुकअप, तो आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, जिसके द्वारा आप हुइज इन्फॉर्मेशन को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही कई सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, तो आप इनमें से किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे, उन सभी से ये इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। तो मैंने ये पहले ही वेबसाइट ओपन कर ली whois.com, और यहाँ पर आप जिस वेबसाइट की डिटेल देखना चाहते हैं उसका यहाँ पर डोमेन नेम या आईपी एड्रेस टाइप कर दीजिए। तो जैसे मैं अपनी ही साइट का देखना चाहता हूँ, तो मैंने अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम टाइप किया techchip.net, और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर वही इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि वेबसाइट को कब क्रिएट किया, कब एक्सपायर होगी, कब अपडेट हुआ, यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स की डिटेल, पर ये मैंने हाइड की हुई है तो यहाँ पर कुछ आपको अलग ही इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, ये टेक्निकल कॉन्टैक्ट डिटेल। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर और भी कुछ एडवांस डिटेल देखने को मिल जाती हैं। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ किसी टूल की मदद से हम किस तरह से हुइज इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों कई सारे टूल्स मौजूद हैं, तो आपको मैं एक ऐसा ही टूल बताता हूँ जिसका नाम है स्मार्ट हुइज। आप गूगल पर टाइप करेंगे स्मार्ट हुइज तो आपको ये साइट मिल जाएगी, यहाँ से आप इस टूल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको कैसे यूज में लेना है, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं क्लिक करूँगा डाउनलोड पर, और यहाँ पर आपको इसमें कई सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। हमें ढूंढना है स्मार्ट हुइज,
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ये विंडोज 7, 8 और 10 के लिए है, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पर ये मैंने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे डेस्कटॉप पर। ये देखिए, आप इसको ओपन कीजिए, यहाँ पर आपको सेटअप की फाइल मिल जाएगी। आप इसको सिंपल से अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ स्मार्ट होवीज को। ये अपडेट के लिए पूछ रहा है यहाँ पर, आपको ऑटोमेटिक अपडेट करना है क्या। मैंने यहाँ पर इसको अभी नो कर दिया। ये देखिए दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर डोमेन नेम टाइप करना होगा, जिसके बारे में भी आप डिटेल देखना चाहते हैं। जैसे मैंने टाइप किया techchip.net और एंटर दबाएंगे, ये क्वेरी प्रोसेस हो रही है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरी डिटेल आ गई कि वेबसाइट की IP क्या है, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल, कौन से सर्वर्स पर वो होस्ट है, ट्रैफिक की रैंक क्या है। तो यहाँ पर इस तरह की डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप किसी भी डोमेन नेम की डिटेल इस तरह के सॉफ्टवेयर के द्वारा देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अपनी ही एक वेबसाइट का एक एग्जांपल और बताता हूँ। यहाँ तो मैंने दोस्तों डिटेल हाइड की हुई है। एक मेरी वेबसाइट और है, यहाँ पर डिटेल हाइड नहीं है, guru-gyan.net, ये भी मेरी ही वेबसाइट है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है कि वेबसाइट की IP क्या है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरे नाम से ही रजिस्टर है। यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, क्या फ़ोन नंबर है, क्या ईमेल एड्रेस है, क्या एड्रेस है और वो कहाँ पर होस्टेड है। तो हुईज इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए कई सारे टूल्स और सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, जिनकी मदद से किसी डोमेन नेम की हुईज इन्फॉर्मेशन जानी जा सकती है। तो दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन का प्रयोग कैसे भी किया जा सकता है, वेबसाइट ओनर की डिटेल जानने के लिए, उसे कॉन्टैक्ट करने के लिए। और हैकर्स ऐसी इन्फॉर्मेशन को हैकिंग अटैक में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सोशल इंजीनियरिंग में पासवर्ड क्रैकिंग के लिए डिक्शनरी अटैक जैसे अटैक में किया जाता है। तो दोस्तों, ये वेबसाइट हैकिंग सीरीज का पहला बेसिक वीडियो था, जिसमें हमने किसी डोमेन नेम की बेसिक जानकारी देखना सीखा। तो इस सीरीज में आपको वेबसाइट हैकिंग के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस बार मैंने डिसाइड किया कि इस बार मैं बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा, जिससे कि आपको पूरी नॉलेज हो सके बेसिक से लेकर एडवांस तक। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर एथिकल हैकिंग के बारे में, वाइट हैट हैकिंग की टेक्निक्स और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहती हैं, वो भी हिंदी में। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि कोई मेरे नए वीडियोस आए तो उनकी सूचना तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। देखते रहिए टेक चिप। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।